it, coat it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, pick it, cross it, crack it, switch it. So hello guys, this is Aditya and you are watching Adithechography. So let's start बिना time waste के हम शुरू करते हैं. So इस वीडियो में मैं आपको पहले दो खुशखबरी सुनाना चाहूँगा. इसमें एक दो महीने हैं. पहले मेरे एक खुशखबरी है कि मैंने अपना रूम सेटअप कर लूँगा कर चुका. तो दिस इज माई एक्चुअली रूम ही बोल सकते हैं और ये मेरा टेबल सेटअप है कुछ इस तरीके से, जिससे कि आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं. ये मेरा टैबलेट है, ये एक फॉग लैम्प है और यहाँ पे दो स्पीकर्स रखे हुए हैं, वहाँ मेरा आईपॉड है, यहाँ काफ़ी सारे मोबाइल्स पड़े हुए हैं, वो मैंने पोस्टर डिज़ाइन किया खुद से. मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ. पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से. फिर यहाँ कुछ रोड सेफ्टी मैंने लगाया हुआ है और वहाँ मेरा ओटीजी पोस्टर है. और ये मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको कटिंग करके डिज़ाइन किया है. इसमें मैं मतलब मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से डिज़ाइन करना हुआ. तो अब चलिए मेन काम की बात पाते हैं. तो इस वीडियो का मेन रीज़न बनाने का ये है कि अभी जो फाइट चल रहा है टेक्निकल गुरुजी और टेक्निकल सागर में, सो मैं उसे अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कोई फाइट है कि क्या है, आपको बता देना चाहता हूँ. और एक कॉल रिकॉर्डिंग निकल कर आया हुआ है, जो कॉल रिकॉर्डिंग निकल कर आया हुआ है और वो पूरा मतलब जैसे मैं बता दूँ कि वो कॉल रिकॉर्डिंग बस एकदम सब बेताब हो रहे हैं, सुन के लीक कर दिया हुआ है, तो सब उसे बदनाम कर रहे हैं. लेकिन बदनाम करने वाला कोई रीज़न नहीं है, उन्होंने अपना नाम का सही प्रयोग करने से मना किया. तो पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद में आप उसे अपने आपका नाम क्या है? पहले तो आपका नाम नहीं मालूम. मेरा नाम है जी विकास जी. विकास भाई कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे यार. कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को तो. अच्छा एक्चुअली आपका चैनल सामने आया, कुछ लोगों ने मेरे को वीडियो कुछ लिंक वगैरह भेजे, फिर मैंने खोल के देखा. मुझे मुझे दो दिन पहले तो देखा, चेक किया तो आपने तो मशाला वीडियो बना दी, पता नहीं कितनी सारी थंबनेल भी बिल्कुल लगा रखा है, एंडर बिल्कुल लगा रखा है. नहीं तो यार सही बात नहीं है बिना. नहीं सर तीन ठीक है मेरे भाई, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ. आप सुनते हैं हाँ बोल वही मैं बता रहा हूँ. जैसे कि आप कहते हैं कि आप वो यूट्यूब देखते होंगे, आप काफ़ी चैनल हैं जैसे कि SBSP प्रोडक्शन के वो ड्रामा लर्न के, तो इन सब चैनल इंस्पायर है मेरा काफ़ी. ये वाली मूवी जिसमें मैं चैनल को मतलब रिव्यू करता हूँ काफ़ी टाइम से जो भी मैंने देखा, उसके बाद चैनल का ओवरव्यू जो भी मैं देखता हूँ उसके शब्द में वो क्या लगता है चैनल के बारे में. और इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारे बैक और सब कुछ यूज़ किया है जो कि कुछ भी मेरे हिसाब से कुछ भी गलत नहीं है. और नहीं पहले बोल है विकास, क्योंकि आपने गलत इसलिए है क्योंकि आपने परमिशन नहीं ली पहली बात तो टेक्निकली ये गलत है. और दूसरी बात क्या थी क्या बोले वीडियो परमिशन जरूरी पड़ती डेली अपलोड होती है ऐसी वीडियो जबकि बड़े बड़े चैनल हैं होम है हाँ उनको कोई बात नहीं कभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. हाँ ठीक है एक बार के लिए मेरी हाँ बस. तो भाई अब मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुना दी है. एक्चुअली मैंने रिकॉर्डिंग पूरी नहीं सुनाई है क्योंकि मैं नहीं समझता कि इसमें पूरा में कोई मतलब है. एक्चुअली इसमें इस रिकॉर्डिंग में हुआ ये था कि गौरव जो है वो टेक्निकल गुरुजी जो है गौरव सर, उन्होंने कॉल लगाया किसी को और उन्होंने बाइजे उससे पूछा सर आपका नाम क्या है, क्या आपको कोई हेल्प चाहिए. तो उसने कहा कि नहीं मैं बिल्कुल फाइन हूँ. तो उन्होंने इतना पूछा इतना बोला कि आप लोगों ने मेरे पोस्टर लगाए हुए हैं और उसमें कुछ नेगेटिव बातें आप बता रहे हैं उसमें, तो उसमें मेरा पोस्टर लगाने से क्या मतलब होता है. तो उन्होंने आखिर कोई गलत बात नहीं कहा, उन्होंने सही बात कहा कि उनका पोस्टर लगा के आप गलत बात कर रहे हैं ये तो कोई मतलब है नहीं. तो उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने यहाँ तक कि ये भी कहा कि आपको कोई हेल्प चाहिए. तो मैं बता देना चाहूँगा ये कोई फालतू काम नहीं, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से कहा. उसके बाद उनका पोस्टर जो लगाया हुआ था जैसे कि मैंने आपको वीडियो दिखाया हुआ है आगे से, तो उसमें उनको मतलब नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की गई है, मगर उन्होंने काफ़ी इज्जत से बात करते हुए कहा कि ये कॉल रिकॉर्डिंग किसी को सुनाना नहीं है क्योंकि आप किसी को सुना नहीं सकते हैं और आप ये भी जानते हैं कि मैं भी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप भी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो उन्होंने कोई एक भी गलत वर्ड नहीं कहा
और जहाँ तक बात रही बदनाम करने की, तो इसमें गुरुजी ने कुछ गलतियाँ नहीं की हैं। उन्होंने कहा है कि बस आप मेरा नाम का प्रयोग ना करें, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे परमिशन नहीं लिया था। तो जबकि परमिशन नहीं लिया गया तो आप मेरा नाम कैसे यूज कर सकते हो भाई, तो ये तो गलत ही कह रहे हैं। तो अब इसमें ही भाई लोगों को बुरा लग गया, और इसमें भी सागर, टेक्निकल सागर जो है वो खुद को समझ रहे हैं कि मैं हटा देने को कहा है 10 मिनट के अंदर गुरुजी ने, तो ये काफ़ी ख़राब का। अब उनका मन वो हटाएं चाहे रहने दे, उनका ये होता है कि वो हटवा दें कि वो रहने दें, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से इतना बड़ा यूट्यूब क्रिएटर्स खुद को अपना इतना बड़ा बनाया हुआ है, तो मैंने मुझे नहीं लगता कि ये सही बात है सागर भाई। तो मैं सागर भाई का मुद्दा भी आपको बताऊंगा कि सागर भाई को ऐसा क्या हुआ है जो वो इतने गुस्से हो रहे हैं, तो इसका पार्ट टू में मैं बताऊंगा आपको। सो तब तक पार्ट वन है, एंजॉय कीजिए और सबको शेयर कीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, सो लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। एंड मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगा कि आज से जितने भी मतलब वीडियोज बनेंगे वो इसी साइट के बनेंगे, मतलब इनबॉक्सिंग आप लोगों को मिलती रहेगी और काफ़ी सारे टेक्निक मिलते रहेंगे। सो आई थिंक मुझे नहीं लगता है यहाँ पे सो गौरव भाई गलत है। सो सागर भाई का भी मैं मुद्दा बताऊंगा आपको कि सागर भाई क्यों गुस्सा हो रहे हैं। सो बस आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक आवर वीडियो एंड इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों से कि क्या सही है क्या गलत, ताकि वो अच्छे से सुन सके। सो थैंक यू गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।